हाय गाइस, आज हम लाने लगे हैं नूडल्स बगैर स्टोव के। तो उसके लिए हमें नूडल्स चाहिए ऑफ कोर्स। उसके बाद आप कौन से मर्जी ब्रांड के ले सकते हैं। मैंने कोल्सन के लिए, क्योंकि एक कप नूडल्स हैं और इसमें मैंने एक ग्लास पानी डाला है। तो आप ब्रांड के ले सकते हैं जो से मर्जी, और इसको बॉल में डाल के तो ये प्रोसेस करके बना सकते हैं। तो ये पानी के बाद अब इसको हम क्या करेंगे, माइक्रोवेव में रख देंगे। फॉर 1 मिनट हाई स्पीड पे रखा मैंने। तो ये अभी कच्चे पकते हैं, तो इसमें मैं मसाला डाल दिया निकाल के 1 मिनट के बाद। तो अब इसको मैं स्केल नहीं करूँगी, बस मैंने ऐसे मसाला डाल दिया और फिर से मैं इसको माइक्रोवेव में रखूँगी, क्योंकि अभी ये कुक नहीं हुई। ये 50% कुक है, तो अब हम 50% और कुक करेंगे इसको। तो फिर से मैं माइक्रोवेव में रखती है। अब इसको मैं हाई स्पीड पर रखूँगी फॉर 2 मिनट्स। तो ये रेडी हो गया हमारी नूडल्स, और जस्ट इसका कुकिंग टाइम 3 मिनट है। अगर आपके लिए आप मैक्सिमम 4 मिनट लगा लें, लेकिन इसका कुकिंग टाइम 3 मिनट है। बहुत इजी है, जब भी बुबरू की तो बना ली। तो ये मुझे सूखी नूडल पसंद है, तो आप उसके हिसाब पे पानी डाल दिएगा। अगर आपको सूखी चाहिए तो 1 ग्लास, वरना आप हाफ ग्लास डाल दिएगा। और 2 पैकेट हुए तो आप 1.5 ग्लास पानी डालिएगा, वरना 1 ग्लास परफेक्ट है। तो आपको कैसी लगी मेरी रेसिपी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, और लाइक भी करिएगा और शेयर भी करिएगा।